अरे यार आप लोग विवाद के, हाँ ठीक है भैया, अरे क्यों करें जिला क्यों नहीं, अरे भाई आप जिलाध्यक्ष को जाने दीजिए, जिलाध्यक्ष को जाने दीजिए, हमारे जिलाध्यक्ष को आप नहीं जाने दे रहे, जिलाध्यक्ष बता दिया गया आचार संहिता नहीं संजय अरे क्यों करें जिला क्यों नहीं, अरे भाई आप जिलाध्यक्ष को जाने दीजिए, जिलाध्यक्ष को जाने दीजिए। स्वागत है आपका बीएलएल न्यूज में, आपके साथ मैं हूं शादाब काजमी। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन कर बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अधिवक्ता कक्ष है ये, जिसके अंदर अधिवक्ताओं से मुलाकात करने के लिए सुधाकर सिंह गए हैं और अधिवक्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपने शुरुआती तस्वीरों में देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब अंदर जा रहे थे नामांकन के लिए और अपने जिलाध्यक्ष को ले जाना चाहा, तो किस प्रकार से समाजवादियों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। और अब सुधाकर सिंह नामांकन कर बाहर आ चुके हैं, अब हम सुधाकर सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे। सुधाकर सिंह जी मौजूद है, सबसे पहले बताइए नामांकन कर दिया है आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं? नामांकन कर दिया, अच्छा महसूस कर रहे हैं। पिछले उपचुनाव में भी आपको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद भी जो है आप सिंपल पे चुनाव नहीं लड़ सके, कुछ त्रुटियां रह गई थी, इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब त्रुटियां ठीक हो गई है, बातचीत खत्म हो गई आपकी, सब त्रुटियां आप आपके ही पार्टी से निकल के गए हैं, दारा सिंह चौहान विधायक ही छोड़ के, और आपके सामने अब चुनावी मैदान में है, जिनका आपका टिकट काट के ही जो है टिकट भी दिया गया था उनको घोसी से, अब कितनी बार उन्होंने पार्टी छोड़ा है आप ही गिनिए। तो क्या लगता है टिक पाएंगे इस बार आप? किसी कीमत को नहीं। चार सीटों में कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? काफी नोकझोंक भी हुई है, नोकझोंक भी काफी हुई है जी, बताया जा रहा है कि आखिरकार आपको टिकट मिल गया 2022 में, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से लड़े थे तो आप अंदर अंदर उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन आखिरकार आपको टिकट मिल गया इस बार। मैं किसी का विरोध नहीं करता और टिकट पार्टी ने दिया था, उनका सम्मान था जी, पार्टी छोड़ के चले गए, फिर हमको दिया पार्टी ने, उसका सम्मान। तो आमने सामने है, कैसे टक्कर देंगे दारा सिंह चौहान? बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्या लग रहा है कहाँ जाएंगे दलित मतदाता? सारा वर्ग इस जनपद का किसी भी पार्टी, सभी चाहते हैं कि हम विधानसभा में जाएं, सबकी मंशा है कि नेता चुनावी जनपद से जीते। भाजपा जी को भूल गए चुनाव के दरमियान, मन से भी स्वार्थी लोग हैं, किसी को भी भूल सकते हैं। भाजपा के आप मंत्री जी भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आए थे, जो खुद विधानसभा नहीं जीत सके और दूसरे को जिताने आते हैं। आपकी पार्टी में अंतकला काफी? हमारे पाला में कोई कला नहीं है, उनको काम के लिए मैंने भेजा है, कुछ कागज था उसको ले आने। लोग ही सिर्फ जाएंगे, प्रस्तावक, प्रत्याशी और पार्टी के जिलाध्यक्ष, लेकिन यहाँ एक इंस्पेक्टर महोदय हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो कि 60 साल की उम्र के, उनको धक्का देते हुए कहा कि नहीं, सरकार का आदेश नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। तो हम लोगों ने बस यही पूछा कि 5 लोग तो आप जाने दे सकते हैं, लेकिन अब देखिए सरकार के एजेंट बने अधिकारी बैठे हुए हैं और आपने देखा है कि किस तरह बदतमीजी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनकी बदतमीजी का जवाब घोसी की जनता देगी और आने वाले चुनाव में इनको इतने वोटों से हराएगी कि ये लोग शर्मसार हो जाएंगे। पुलिस से कहना है कि 5 लोग के अलावा जिला अध्यक्ष छठवें थे? नहीं, जब आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि 4 लोग के अलावा जिला अध्यक्ष पांचवें थे। भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हुआ उस दिन तो गिनती नहीं आ रही थी, क्यों गिनती भूल गए थे? तो ये लोग अपने आप को सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। कम से कम वर्दी का ख्याल करिए, अपनी नौकरी का ख्याल करिए, भारत के उस संविधान के शपथ का ख्याल करिए जो आपने ली थी।
कुछ नहीं तो एक वरिष्ठ नागरिक को सम्मान देने का जो मानवता धर्म है उसका ख्याल करिए। लेकिन इस सरकार में संविधान की कोई कीमत नहीं है, संविधान को तार तार ये लोग कर दिए हैं, तो घोसी की जनता आपको जवाब देगी और संविधान बचाने का काम करेगी। आज कहाँ आए थे आप? हम लोग आए थे समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सुधाकर सिंह का नामांकन कराने। नामांकन स्थल आ गए? हाँ, आ गए। नहीं नहीं जाने दिए, प्रशासन के लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रत्याशी के साथ, चाहे वह किसी भी दल का प्रत्याशी हो, उसके साथ उस दल के जिलाध्यक्ष को जाने देना चाहिए। लेकिन प्रशासन के लोगों ने जहाँ पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष को प्रत्याशी के साथ जाने की अनुमति दिया, और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जाने से रोकने का काम किया। कुल चार लोग गए। अनुमति तो प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष और प्रस्तावक। प्रशासन कह रही है कि 5 लोग से ज़्यादा अंदर जा रहे। ये तो वो अपने मन से कह रहे हैं, ऐसा कोई रूलिंग थोड़े आई है। रूलिंग दिखा दे, क्या कहेंगे? ये सीधे सीधे प्रशासन की गुंडागर्दी कहिए या उनका तानाशाही कहिए,